सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दो भाई बेटे क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? हमारा नाम है रणजीत सिंह। क्या समस्या है? ये मकान आपका है? हाँ, ये मकान हमारा है। हम दो भाइयों को जो मिला है वो ये फूटा पड़ा है। जब यहाँ कोई रहने के लिए नहीं तो इधर उधर रहना पड़ता है और प्रधान जी ने आज दिन तक नहीं सुना है ना कोई सुनता है। अब ये कार्रवाई हुई है तब ये भड़बड़ा रहे, अब ऐसा हुआ वो बस अपना जो कुछ ले कर लिया हो तो चला गया, फिर नहीं पूछा किसी को। अच्छा, अधिकारियों ने ही पैसा ले लिए प्रधान? और क्या, लेते ही है वो तो। सर ये कौन सा गांव है और ये आपके बगल में जो तालाब है इसका क्या नाम है? ये ग्राम नहंदोरा है और तालाब मातन पार बचता है जी, नहंदोरा के मातन के तलैया बचती है। अभी इसमें ये आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है, ये काम कब से चालू किया गया है, कौन करवा रहा है? ये अभी चालू किया था प्रधान ने और अब बंद है। अब जाना चालू कराना या नहीं कराना ये तो मालूम ही नहीं है। अब बंद ही का है जब से, बस बहुत दिन हो गया। तो अगर होना होता तो जमाने का हो जाता, जेठ मासन से अभी हो ही जाता। अच्छा, ये जो अधूरा काम है ये कब किया गया था, कितने समय पहले? ये जो है वो गर्मियों में किया था, उसके बाद कोई कारण नहीं हुआ। पीएल में 20 साल से हमें फ्री सरकार देत रही, जब से इनका लड़का कोटेदार को प्रधान भाव, जब से हमें कुछ नहीं देत, कह रहे तुम्हारा राशन आवती नहीं है। कुल 1.5 किलो चार और 3 किलो पिसिया बताओ था मैं, जो कि असहायक है। हमें राशन 5 किलो चार और 10 किलो पिसिया मिलत रही 20 साल से फ्री दी सरकार ने। असहायक हमारा कोई वारस नहीं है। लड्डू नाम हमारा पिता का, भागीरथ नाम। प्रधान जी क्या बोलते हैं? प्रधान जी कह रहे तुम्हारा राशन आउट नहीं है जब से कांग्रेस की सरकार चली गई, अब इनकी सरकार आ गई ना। क्या नाम है आपका? शिव शरण सिंह यादव। क्या समस्या है गांव में आपकी है? आपकी समस्या जो कख सुनी नहीं जात ना, बाबा न रही या पेंशन ना कछु मिले का। अच्छा, कुछ तो गांव के विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है? नहीं, प्रधान जी से बात की आपने? नहीं बनवाई उन्होंने, बनवाई बात बीच की रही सर। हद बीच की मतलब आधी अधूरी बनी की बात कर रहे हैं। और कोई रास्ता रोड बनवाया है? अच्छा, तो संतुष्ट नहीं है आप लोग? धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका और आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? करण नाम है मेरा। आदमियों को जो लैटरिंग बन, पहली की लैटरिंग बनी हुई है जो, और उनका पैसा दिखा के और निकाल लिया। लैटरिंग पहले की ही बनी हुई है, आधा पैसा करके निकाल लिया। लैटरिंग पहले की बनी हुई है। अच्छा, जो पैसा सरकार से लिया है उसकी लैटरिंग बनवाई नहीं? नहीं, पैसा खाली वो पैसा निकाल लिया 50-50 और लैटरिंग वही घर की बनी हुई है, पुरानी बनी हुई है पहले। और जिसके पास है नहीं, वो जिसके पास है नहीं लैटरिंग, उसको कोई सुनवाई नहीं है। अच्छी बात है। आधा रुपया दो हमको तो 6,000 रुपये आपको दे देंगे बस। अब 6,000 में आपकी बने हो चाहे ना बने, जी व्यवस्था है सर। सर क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? प्रताप है हमारे। आपका जब से प्रधानी चली होगी आज तक सरकार ईंट नहीं लगी। अभी तक हमारी 100 आदमी का परिवार है, लैटरिंग नहीं, आज तक ईंट नहीं लगी। हमारे कच्चे मकान गिरे डरे पर्दा लगे, आप मौका माना करके देखें, पर्दा लगे दुनिया के, पर्दा लगा के बहुएं बेटियां सो रही। किसी प्रधान ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, हम गांव में रहते ही हैं, नहीं रहते हैं, ये नहीं कहा कि नहीं। सरकार की योजनाएं आती हैं मकान बनाने के लिए, क्या और मकान गांव में किसी और के बन रहे हैं? हाँ, क्या है और मकान गांव के सबके बन रहे, केवल हम लोगों दीगर जाति में भी नहीं बन रहे हैं, पक्के मकानों के पक्के नहीं। आप लोग के क्यों नहीं बन रहे? कौन है आप लोग? हम है खंगार। अच्छा, इसलिए हमारे नहीं बन रहे हैं। नहीं तो क्या आप लोगों की संख्या कम है या आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है? हमारी संख्या कम है, हमारी 4-5 बकरी हैं गांव में,
इसलिए कोई हमें पूछता नहीं है कि क्या है। उनकी 200-250 बकरी है। किन लोगों की 200-250 बकरी? ज्यादा की 200-250 बकरी है गांव में। उनका बाहुल है गांव में, कोई कुछ उनसे कह नहीं सकता है। कहते हैं और किस किस समाज के लोग रहते हैं? और हर समाज है, पाल है और कोरी है, चमार है, काछी है, कुमार है। तो क्या सभी की सुनी जाती है? किसी की नहीं सुनी जाती, दीगर जात की किसी की नहीं सुनी जाती है। कोई कुछ भी कहे, किसी को गल्ला परमट दुनियादारी सब परेशान है। चार लड़का पाए आते पट्टा ही दो को, यहां चमार कोरी कोई नहीं है। क्या समस्या है आपकी? जब हम पूजे की हमारा लाल परमट खो गौ तो मतलब तो बना तो काय नहीं है ना। सदर इंस्पेक्टर लो आए हम, सप्लाई इंस्पेक्टर लो। क्या बोल रहे थे वो? बताते हम 15 दिन बाद बताएं, अभी लो नहीं बताई, 1.5 महीना हो गए। फिर उनसे मिली आप? बाबूजी अब कहते कि हम सदरवा हैं। अच्छा, और प्रधान जी से आपने बात की थी? वही प्रधान जी तो कहता है कि हम सदरवा हैं। अब नहीं तो प्रधान जी से फिर आपने कहा नहीं कि अभी तक नहीं हुआ है? जहाँ बोल रहा है कि वे अब कहते कि हम सदरवा हैं, कौन सदरवा है, हम सदरवा हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? लक्ष्मण नाम हमारा। समस्या क्या है आपकी? राशन पानी की, तेल पानी की, हर चीज की समस्या खराब है हमारी। तो नहीं है, क्या आप बात नहीं करते हैं प्रधान जी से? नहीं कहते हैं प्रधान जी से? काश और झोकारी आके भगा दी तुम। क्या बोलते हैं प्रधान जी? वे कानला जाओ अपने घर, और कोटेदार कानला जाओ अपने घर, तो मैं नहीं कहूँ। किस गाँव के हैं आप निवासी? क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे कब से काम नहीं हुआ है? 10 साल से नहीं भाव है काम। कहाँ जो कल से काम भाव हुए तो नहीं बता सकते वो नहीं कहाँ भाव। अभी 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और ये जो बाउंड्री आपके पीछे है, ये कब की बनी हुई है? 10 साल बाद की है। 10 साल के पहले की है? अच्छा अच्छा। क्या यहाँ गुम्मे उम्मे भी पाथे जाते हैं क्या? जी साहब। कौन पथवाता है, कौन पाथता है गुम्मे? अब हमें चाहूंगे 5,000 तो अपने पाल ले, पका ले, मकान के लाने। नहीं तो इसी तालाब की ही मिट्टी से? जी साहब। इसमें कोई रोक टोक नहीं है ना? नहीं। तो क्या जब आप गुम्मे पालते हैं तो उसमें कोई प्रधान का हस्तक्षेप रहता है ना? ट्यूबवेल वालन को पानी नहीं होता तो देखो ट्यूबवेल वाले मूल पानी देती। धन्यवाद। आपका ये जो मकान है, आप इसमें रहती हैं, चारों तरफ साड़ी से ढका हुआ है, ऊपर काली पॉलीथिन ढकी हुई है, क्या समस्या है, ऐसे क्यों रहती हैं आप? प्रधान सुनाई नहीं रही, कोई बताई दे ही नहीं रही कुछ। ये साड़ी लगी पन्नी डर, दो लड़का एक लड़की है। प्रधान जी से बात हुई है आपकी? खूब भाई सब कुछ कर लगो सब, प्रधान जी नहीं दे रहे। प्रधान जी बनाने के लिए पैसा नहीं बोल रहे? अच्छा अच्छा। और कौन कौन रहता है आपके घर में? आदमी दो लड़का एक लड़की, दो लड़का है एक लड़की है। अच्छा, पति है, पत्नी है, पति है। क्या नाम है चाचा आपको? जानकी प्रसाद। अच्छा, ये जो काम चल रहा है, ये कौन से गांव में और कौन से तालाब में काम शुरू होने वाला है? नालौरा। ये कब से शुरू हुआ है ये काम? जी आज ही शुरू हुआ है। कौन सा तालाब है ये? जी जानका तालाब। अच्छा, तो ये कौन काम करवा रहा है यहाँ पे? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? क्या नाम? बबुआ यादव। बबुआ यादव। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अभी तो काम हो नहीं रहा है, कब से? आज से ही शुरू हुआ है? आज से शुरू हुआ है। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपको? लवकुश। पिताजी का क्या नाम है? श्री वीरन कुमार दुबे। क्या समस्या है आपकी? कच्चा घर है, प्रधान है तो कुछ नहीं देता है। क्या कहता है प्रधान? पापा कहने भी जाते हैं तो कहता है मिल जाएगा। अच्छा, फिर कोई पैसा नहीं देता है, ना मकान बनवाता है? हाँ। अच्छा, कौन कौन रहता है आपके परिवार में? माँ है, 4 बहनें हैं, हम हैं और पिताजी हैं। तो कैसे गुजर बसर करते हो? बरसात में पानी की समस्या होती होगी? मड़ैयन में रहते हैं। अच्छा, तो प्रधान जी से मिले आप कभी? हाँ। क्या कहते हैं प्रधान जी? कुछ नहीं कहते, जाते हैं तो कह देते हैं मिल जाएगा 1-2 महीने बाद। सर क्या नाम है आपका और ये जो रोड दिख रहा है, ये कब बनाया गया था? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, ये रोड लगभग 10 साल पहले बनाया गया था। तो अभी इस रोड से संबंधित खबर आई है कि इसके पैसे जो है पास करवा लिए गए हैं और पेपरों पे बनवा दिए गए हैं। हाँ, कहाँ तक सच्चाई है? हाँ ये बिल्कुल पूरी सही है,
ये रोड लगभग 10 साल पहले डला था, जिसके अभी 2017 में पैसे निकाले गए हैं पूरे 4,00,000 रुपये। अच्छा, तो किसने बनवाया था ये रोड? पैसे जो निकाले गए हैं वो किसने निकाले हैं? ये पूर्व प्रधान सियाराम नेता द्वारा बनाया था, जिसके अभी वर्तमान प्रधान ने पैसे निकाले हैं। वर्तमान प्रधान ने, इस संबंध में आप लोगों ने, गांव वालों ने शिकायत की है उच्च अधिकारियों को? हाँ, शिकायत कई बार की है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कोई जांच टीम यहाँ पे आई है या कोई अधिकारी आया हो? नहीं, पेपरों पर फर्जी काम कर दिया जाता है, जांच टीम कोई नहीं आती है, पेपरों में बोल दिया जाता है हमने जांच की है, इसका कोई निस्तारण गलत होता है। तो गांव के प्रधान से गांव वालों ने बात की है इस संबंध में? नहीं, कोई नहीं करता है बात इसके बारे में। क्यों, क्या कारण है? अरे सब लोग अपने, एक माहौल है गाँव का पूरा, तो कोई कुछ कहता नहीं है। सर, क्या नाम है आपका और ये कौन सा गांव है, क्या समस्याएं हैं आपकी? ये समस्याएं हैं साहब, लेटरिंग आई, महिला है बेवा, वो मॉडल कर दिया, उसके फूला के नाम की लेटरिंग आई, हमको यहाँ कह दिया खड्डा बनवाओ, फटकिया ले आए और मजदूरी लगाई, खड्डा बनवाए, चका का बनवा ले, फिर लेटरिंग बस नहीं है तुम्हारी। किसने बोला ऐसे, कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है वो रातपुरा वाला पाल है जो। अच्छा, तो यहाँ पे जो काम होता है या प्रधान के थ्रू काम होते हैं वो क्या सही हो रहे हैं? प्रधान के तो आप देख लो साहब, यहाँ गाँव को कह नहीं पाऊता, कोई आज तक कोई जवाब नहीं दिया किसी ने, ना आज तक आवाज उठाई है कभी किसी ने, चाहे जो करें चाहे ना करें, याद उनको गांव है उन्हें उनकी बहुमत है। बताया जा रहा है कि जैसे कि तालाब में काम चल रहा था, अधूरा काम छूटा हुआ है, उसका पेमेंट भी किया जा चुका है, तो काम क्या पूरा नहीं होगा या क्या है मैटर, क्या लग रहा है आपको? मैटर का काम भाव ही नहीं है, हो तो दिखा तू ना हम, यानी आप ही जाओ देख लो, माना कर दो, वहाँ कुछ नहीं है। और गांव में कई रोड जो है पास, सब फालतू सब लिखा पड़ी पूरी हो चुकी, यहाँ से वहाँ तक लिखा पड़ी पूरी हो गई और काम कुछ नहीं हुआ। हाँ, वाहन ट्रैक्टर से डरे रोड। अच्छा, हाँ, जो तो गांव भर के जाने में तो जेसीबी से नलवा नाला खुद नाला है तो दमंग लोग सब जाम करें, पानी निकल सके, देख लो मौका पे चल के, जो सरकारी पुलियाँ बनवाई जाती तो पुलियाँ तक जाम कर ले, अपने मकान में बना ले, हद में कर ले। क्या नाम है गांव की प्रधान का? प्रधान का नाम बगुआ, बगुआ कहा थी, धर्मेंद्र भैया बगुआ। अच्छा अच्छा, बगुआ बगुआ से प्रसिद्ध है। तो लोगों से आप लोगों ने बात नहीं की, प्रधान से बात नहीं की, ये काम ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या ताकत है, हम का गाँव भर में देख लो स्तुति जाके कौन हमारे, नहीं तो क्या दबंगी है? अधिकारियों से शिकायत की, क्या हुआ शिकायत? कुछ नहीं हुआ, जांच करने नहीं आए अधिकारी यहाँ पे? अधिकारी आए जांच करने, हो गए चले गए, बस कोई कार्रवाई नहीं की गई। दादा, ये कौन सा गांव है और ये पीछे आपके कौन सा तालाब है? जी नहदौरा गांव है जी, और इस बगल है उजनेर, बीच में जान का तालाब। ये जान का तालाब है, तो ये जान का तालाब जो है ये आपके गांव में आता है, कौन से गांव में आता है? ये दोनों गांव के बीच में, दोनों गांव के बीच में आता है। तो इसकी क्या बीच में, तालाब के बीच में कोई सीमा है कि नादौरा में आधा तालाब आएगा और आधा उसमें आएगा, ऐसा कुछ है क्या? आधा आधा तालाब है, तालाब तो नादौरा ही में होगा ना, तालाब जो मेड़ो गहू ट्रैक्टर है ऐसे ऐसे चलोगे तो ये उस तरफ नहीं तालाब है कि मेड़ की? ये जो मंदिर दिख रहा है पीछे आपके, क्या ये सीमा है नादौरा तालाब की या क्या है, कुछ बताएंगे? ये दोनों गांव के बीच में, दोनों गांव के बीच में है। तो यहाँ पे पीछे काम मटेरियल डला हुआ है, तो जो काम लगने वाला है, बताया जा रहा है कि आज से काम शुरू हुआ है, तो वो कौन करवा रहा है और किसकी सीमा में आता है, वो कुछ पता है आपको? बता दो बाबू। क्या नाम है आपका सर? भानु प्रताप। भानु प्रताप जी, ये जो पीछे काम बताया जा रहा है कि आज से लगाया जाना है, मटेरियल डला है, ये कौन से तालाब में है और ये किस गांव की सीमा में आता है और कौन काम करवा रहा है? ये तालाब जान का तला के नाम से ही, और ये सीमा वजनियार की सीमा में है, काम नहदौरा प्रधान करा रहा है।
उजनेर की सीमा है, सीमा में है और नादौरा प्रधान काम करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? अब का पता, जो तो पता ही नहीं चला था प्रधान हमको क्या है, सीमा उजनेर की में है, ये तो सीमा उजनेर में है जी। अच्छा, तो वो जो काम हो रहा है तो उजनेर की सीमा में हो रहा है? हाँ, काम उजनेर की सीमा में है और ग्राम प्रधान नादौरा काम करवा रहे हैं वो। अच्छा, तो इस काम से पहले पिछली बार कितने सालों पहले यहाँ पे काम हुआ था इस तालाब में, जो बाउंड्री बनी हुई है या कुछ और? तो पिछली पंचवर्षी में भाई थी, तो नागौरा प्रधान ने यहाँ से वहाँ तक सीमा तक बनवाई थी, तो उजनेर प्रधान ने बनवाई थी वो सीमा में आदि। जो वर्तमान में प्रधान है उन्होंने बनवाया था कुछ कि पिछले प्रधान ने? नहीं, पिछले प्रधान ने, पिछले प्रधान ने, पिछले प्रधान सियाराम नेताजी ने बनवाई थी ये। अच्छा अच्छा, और वो बनवाई थी किशोरी प्रधान ने, उत्तम से सीमा से, सीमा वहाँ है उस बरगद के नीचे से सीमा है, ये सीमा वहाँ से उतर तक है। तो अभी जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने ये काम पहली बार इस तालाब में शुरू किया है। हाँ हाँ, सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाए।